विद्यार्थियों, मैं आरसी बेरवा, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, एसएनकेपी राजकीय महाविद्यालय निमका थाना। भारतीय दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं और भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है आस्तिक और नास्तिक दो भागों में संपूर्ण दर्शनों को विभाजित किया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि भारतीय दर्शन का जो सिलेबस है उसमें नौ दर्शन माने गए हैं। नौ दर्शन जो है सिलेबस के अंतर्गत रखे गए हैं और नौ दर्शनों में कौन से दर्शन रखे गए हैं, चार्वाक है, जैन है, बौद्ध है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये नौ दर्शन है जो भारतीय दर्शन के अंतर्गत रखे गए हैं। इन दर्शनों को हम जो है आस्तिक और नास्तिक दो भागों में बांट कर देखेंगे, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शनों के रूप में देखेंगे। हम प्राय देखते हैं कि आस्तिक और नास्तिक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से दर्शन ऐसे हैं जो आस्तिक है और नास्तिक है, कौन से दर्शन ऐसे हैं जो नास्तिक है। तो तीन जो है मापदंड या मानक जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो माने गए हैं, जिनके आधार पर हम आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का निर्धारण करते हैं। तीन मानक या मापदंड है जिनके आधार पर हम आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का निर्धारण करेंगे। तीन जो मापदंड है उसमें पहला मापदंड है वेदों पर आधारित। पहले जो है सर्वप्रथम जो है वेदों की सत्ता को माना जाता था, वेद कोई ज्ञान का मापदंड या मानक माना जाता था। तो वेदों के आधार पर जो हम आस्तिक और नास्तिक का निर्धारण करेंगे। जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं अर्थात वेदों में जो विश्वास करते हैं उसे आस्तिक दर्शन कहा जाता है, और जो वेद निंदक है, वेदों की आलोचना करते हैं, वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, उन दर्शनों को हम जो है नास्तिक दर्शनों के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहला जो मापदंड बताया गया है वो वेदों के आधार पर बतलाने का प्रयास किया कि जो वेदों में श्रद्धा व्यक्त करता है, वेदों में जो विश्वास प्रकट करता है या वेदों की सत्ता को जो स्वीकार करता है वो आस्तिक दर्शन है, और वेदों की सत्ता को जो नकारने का प्रयास करता है या वेदों की सत्ता की निंदा करता है या वेद निंदक जो दर्शन है उन्हें हम जो है नास्तिक दर्शनों के अंतर्गत रखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वेदों की सत्ता को कौन से दर्शन तो स्वीकार करते हैं और कौन से दर्शन स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात वेद को जो मानेंगे वो आस्तिक हो जाएंगे, वेद निंदक जो होंगे वो नास्तिक हो जाएंगे। तो वेदों की सत्ता को जो स्वीकार करते हैं वो षड् दर्शन है। षड् दर्शन का तात्पर्य क्या है, छह दर्शन। षड् दर्शन जो है वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसके अंतर्गत आप रख देंगे कि षड् दर्शन जो है आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत रखे गए हैं। और षड् दर्शन कौन से हैं, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये छह दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का दर्शन है, वैशेषिक कणाद का दर्शन, सांख्य कपी, पतंजलि दर्शन जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, जैमिनी का मीमांसा और बालरायण का वेदांत। ये छह दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं और वेदों की सत्ता में विश्वास करने के कारण ये जो है आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो इसके विपरीत जो है तीन दर्शन हमारे ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते, वेदों की आलोचना करते हैं या वेदों की निंदा करते हैं। और ये तीन दर्शन जो है चार्वाक दर्शन है, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन महर्षि बृहस्पति का दर्शन है, जैन दर्शन महावीर स्वामी का दर्शन है, और महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है बौद्ध दर्शन। ये तीनों दर्शन ऐसे हैं जो वेद निंदक अर्थात वेदों की आलोचना करके ही अस्तित्व में आए, वेदों की सत्ता को नकारने के बाद में जो अपने अस्तित्व में ये आए हैं। इसलिए जो है वेदों की निंदा करने के कारण या वेद निंदक होने के कारण इन दर्शनों को हम नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। किसके आधार पर, वेदों के आधार पर। जो वेदों को नहीं मानते उसे हम नास्तिक कहेंगे, वेदों को जो मानते हैं वो आस्तिक दर्शन कहलाएंगे। तो वेद जो की सत्ता को जो मानने वाले दर्शन है वो छह दर्शन है जिसे हम षड् दर्शन के नाम से जानते हैं, वो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत है। और वेद निंदक दर्शन कौन से हैं, चार्वाक है, जैन है और बौद्ध। ये तीन दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वेदों की आलोचना करते हैं, वेदों की सत्ता को नकारने का प्रयास करते हैं, उसके कारण वे नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में माने गए। उसके बाद में दूसरा मापदंड की हम बात कर लेंगे कि परलोक की सत्ता के आधार पर। बहुत सारे दर्शन ये मानते हैं कि इस लोक से परे भी दूसरा लोक है, जो आत्मा जो नित्य
मानी जाती है, वो नित्य आत्मा जो है कहाँ निवास करती है, परलोक में निवास करती है। इस जगत की जो आत्माएं हैं इस शरीर को छोड़कर कहाँ पर निवास करेगी, परलोक में जाएगी। इसी का तात्पर्य इस लोक, ई लोक और परलोक, दो प्रकार के लोकों की बात हम करेंगे। एक ऐसा लोक जिसमें नित्य आत्माएं निवास करती है और वो परलोक के रूप में जाना जाता है। तो परलोक की सत्ता में जो विश्वास किया जाता है उसे हम आस्तिक दर्शन कहेंगे, और जो परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं करेंगे कि श्लोक से भी परे कोई लोक होता है, उसको उसमें जो विश्वास नहीं करते वो नास्तिक कहलाते हैं। तो हम प्राय देखते हैं कि षड़ दर्शन हमारे जो है वो परलोक की सत्ता को स्वीकार करते हैं। षड़ दर्शन, षड़ दर्शन में कौन से थे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये छह दर्शन तो ऐसे जो परलोक की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जैसे वेदों को मान लेते वैसे ही परलोक की सत्ता को भी ये मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है जैन और बौद्ध दर्शन भी परलोक की सत्ता को मानते हैं कर्म सिद्धांत के आधार पर, कि कर्म का फल देने के लिए जो हमें परलोक में विश्वास करना होगा, रिबर्थ के कॉन्सेप्ट में जो विश्वास किया जाता है। तो यहाँ जो है आठ दर्शन ऐसे हो गए जो परलोक में विश्वास करता है। कौन कौन से, छह दर्शन तो षड़ दर्शन है जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, और इसके अतिरिक्त जो है जो जैन और बौद्ध जो वेद को तो नहीं मानते परंतु परलोक को मानकर ये आस्तिक की श्रेणी में जुड़ जाते हैं। तो आठ दर्शन ऐसे हैं जो परलोक की सत्ता को मानते हैं, और एक दर्शन ऐसा है जो ये मानता है कि परलोक का अस्तित्व नहीं है, जो कुछ भी है वो इस लोक में ही है, इस लोक से परे किसी की सत्ता नहीं है। वो जो दर्शन है वो चार्वाक दर्शन है, एकमात्र ऐसा दर्शन है जो परलोक की सत्ता को नकारता है, और उसके पीछे जो प्रमुख रीजन दिया जाता है कि चार्वाक ये मानता है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है, और प्रत्यक्ष के द्वारा में परलोक का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए परलोक की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आठ दर्शन जो है परलोक में विश्वास करने के कारण आस्तिक दर्शन की श्रेणी में मानेंगे, और एक दर्शन जो है परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं करता, इसके कारण जो है वो नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में जुड़ जाता है। अब तीसरे मापदंड की बात हम करेंगे कि तीसरा जो मापदंड जो आज वर्तमान स्थिति में जो मापदंड जो है आस्तिक और नास्तिक का माना जाता है, या सामान्य जो मनुष्य आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य समझते हैं कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। ये वर्तमान मापदंड है। पहले के जो मापदंड है उसके अंतर्गत तो हमने देखा कि वेद और परलोक की सत्ता के आधार पर माने जाते थे, परंतु आज की स्थिति में जो मूल मापदंड एक ही मापदंड के रूप में हमें जो देखने को मिल रहा है वो ईश्वर के आधार पर ही हम स्वीकार कर लेते हैं, कि जो ईश्वर को की सत्ता को जो स्वीकार करते हैं वो आस्तिक है, और ईश्वर की सत्ता को जो नकारते हैं वो नास्तिक है। तो ईश्वर की सत्ता को मानने वाले दर्शन जो आस्तिक होंगे, और ईश्वर निंदक ईश्वर की आलोचना करने वाले वो नास्तिक दर्शन होंगे। और यहाँ पर जो है देखिए आस्तिक दर्शनों की जो श्रेणी में हम बात करेंगे तो न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, चार दर्शन ऐसे हैं जो आस्तिक है, किसके कारण, ईश्वर की सत्ता को मानने के कारण। कौन कौन से, एक तो न्याय महर्षि गौतम का दर्शन, एक वैशेषिक दर्शन जो कणाद का दर्शन है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, योग दर्शन में भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया। क्यों स्वीकार किया गया, क्योंकि सांख्य दर्शन का ये समान तंत्री दर्शन है, और सांख्य दर्शन जो ईश्वर को नहीं मानता तो बहुत सारी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है, उससे बचने के लिए योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को मानकर आस्तिक श्रेणी में जुड़ जाता है ईश्वर के दृष्टिकोण से। और उसके बाद में वेदांत जो ईश्वरवादी दर्शन है, जिसमें शंकराचार्य की, रामानुज की, मध्वाचार्य की बात हम करेंगे, निम्बार्क की बात करेंगे, ये जो है चार दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत। इसके विपरीत जो है तीन दर्शन हमारे जो नास्तिक माने गए थे, चार्वाक है, जैन और बौद्ध, ये तीनों दर्शन जो है न तो वेदों को मानते थे और नहीं है ईश्वर को मानते हैं। ये ईश्वर निंदक दर्शन है, वेद निंदक दर्शन है, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते।
इसके अतिरिक्त जो वेदों की सत्ता में तो विश्वास करते हैं या पंडितों की सत्ता में तो विश्वास करते हैं परंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे दर्शन जो है सांख्य और मीमांसा दर्शन भी है। तो इस प्रकार से यदि हम जो है ईश्वर के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा, ये ऐसे पांच दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करने के कारण इन दर्शनों को हम नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में जोड़ देते हैं। तो हम प्राय देखते हैं कि कुछ दर्शन जो है वेदों के आधार पर आस्तिक हो गए, कुछ दर्शन जो है परलोक के आधार पर जो है आस्तिक हो गए, और कुछ दर्शन जो है ईश्वर के आधार पर जो है आस्तिक कहलाते हैं। तो किसी मापदंड के आधार पर कोई दर्शन आस्तिक हो सकता है, किसी अन्य मापदंड के आधार पर वही दर्शन क्या हो सकता है, नास्तिक हो सकता है। अर्थात तीनों मापदंडों को मानने वाले सभी दर्शन नहीं है। कोई दर्शन जो है ईश्वर को नहीं मानता, कोई दर्शन जो है वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता, कोई दर्शन ऐसा है जो परलोक में विश्वास नहीं करता है। तो आस्तिक और नास्तिक का निर्धारण जो है एक सार्वभौमिक न होकर मापदंडों के आधार पर हमें देखने को मिलेगा, वेदों पर आधारित देखने को मिलेगा, परलोक की सत्ता के आधार पर जो देखने को मिलेगा, या ईश्वर के आधार पर जो है देखने को मिलेगा। अर्थात जो वेद को की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक है, जो परलोक की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो भी आस्तिक है, और जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो भी आस्तिक है। जो वेद निंदक है वो नास्तिक कहलाएंगे, जो परलोक की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे वो नास्तिक कहलाएंगे, और जो ईश्वर निंदक या ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वो भी नास्तिक कहलाते हैं। तो यहां पर कोई भी दर्शन जो है किसी दृष्टिकोण से आस्तिक भी हो सकता है, किसी दूसरे दृष्टिकोण से क्या हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है, परंतु एक दर्शन हमें ऐसा देखने को मिलता है जो किसी भी मापदंड या मानक को स्वीकार नहीं करता है। न तो वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, न जो है वो परलोक की सत्ता को स्वीकार करता है, और नहीं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। अर्थात तीनों दृष्टिकोणों से ही क्या है, नास्तिक है। चार्वाक दर्शन के संदर्भ में आप देखोगे तो चार्वाक के वेदों के आधार पर नास्तिक है, परलोक की सत्ता के आधार पर भी नास्तिक है, और ईश्वर की सत्ता के आधार पर भी नास्तिक है। अन्य दर्शन तो किसी अन्य दृष्टिकोण से आस्तिक बन जाते हैं या नास्तिक बन जाते हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो न तो वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है, न परलोक की सत्ता को स्वीकार करता है, और न ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। अर्थात तीनों मापदंडों को या तीनों ही मानकों को नकारता है, इसके कारण जो ये नास्तिक कहलाता है। केवल नास्तिक नहीं कहलाता वरन नास्तिकों का शिरोमणि भी कहलाता है, क्योंकि अन्य दर्शन तो किसी मापदंड पर नास्तिक है लेकिन दूसरे ही मापदंड के आधार पर क्या बन गए, आस्तिक बन गए हैं, लेकिन जो है चार्वाक दर्शन ऐसा है जो किसी भी मापदंड पर जो है आस्तिक की श्रेणी पर नहीं आता है, आस्तिक की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए तीनों ही मापदंडों को नकारने के कारण या तीनों ही मापदंडों को अस्वीकार करने के कारण इस दर्शन को, चार्वाक दर्शन को, जो महर्षि बृहस्पति का दर्शन है, इस दर्शन को जो है नास्तिकों का शिरोमणि कहा जाता है। तो यहां पर हम जो है आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का निर्धारण की चर्चा इस वीडियो में हमने की है, और आस्तिक और नास्तिक दर्शन किस आधार पर बांटे गए हैं उसका हमने जो है मापदंड बनाया कि तीन मापदंडों के आधार पर हम आस्तिक और नास्तिक निर्धारित करते हैं। उसके आधार पर हम कहेंगे कि वेदों के आधार पर कौन से दर्शन आस्तिक और नास्तिक है, परलोक के आधार पर किन दर्शनों को हम आस्तिक या नास्तिक कहते हैं, या जो है ईश्वर पर आधारित जो है आस्तिक और नास्तिक होगा। नहीं कि केवल हम ये कहते हैं कि वर्तमान स्थिति के संदर्भ में जैसा देखते हैं कि ईश्वर को मानने वाले आस्तिक और ईश्वर निंदक जो है नास्तिक होते हैं, यही मापदंड नहीं, वरन जो है भारतीय दर्शन में तीन मापदंड जो आप लोगों को बताए गए। तो इसके आधार पर हम नौ दर्शनों को आस्तिक और नास्तिक के रूप में हम निर्धारित करते हैं कि अमुक दर्शन जो आस्तिक और अमुक दर्शन नास्तिक है, और चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सभी मापदंडों को नकारता है, इसके कारण उसे नास्तिकों का शिरोमणि कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने नास्तिक और आस्तिक का निर्धारण किया है। आप लोग बीए पाठ के फर्स्ट के विद्यार्थी है, अच्छी तरह से आप लोग भारतीय दर्शन को समझने का प्रयास करें। भारतीय दर्शन जो है
आपको जो है आध्यात्मिक चिंतन की ओर प्रेरित करता है, भारतीय दर्शन जो है ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। जितना भी ज्ञान जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत देखने को मिलता है वो प्राय हम देखते हैं कि चाहे वो परमाणुवाद की बात करें या अन्य संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, पाश्चात्य दर्शनों की अपेक्षा जो है महत्वपूर्ण ज्ञान देखने को मिलेगा। यद्यपि ये अलग बात है कि भारतीय दर्शन को जो आगे बढ़ाने का कार्य जो है यहाँ के लोगों ने नहीं कर पाए और उसी के कारण जो भारतीय दर्शन को उतना महत्व नहीं मिल पाया जितना पाश्चात्य दर्शन को मिला। तो भारतीय दर्शन में जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हम जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं और उन समस्याओं को केवल जो है समस्या को समस्या के रूप में नहीं रखते वरन उस समस्या का समाधान करने के उपाय भी ढूंढने का भारतीय दर्शन के अंतर्गत प्रयास किया जाता है। तो भारतीय दर्शन एक महत्वपूर्ण जो है पाठ दर्शन के अंतर्गत है जिसकी चर्चा हम निरंतर जो करते रहेंगे, एक एक दर्शन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है बी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों से विशेषकर निवेदन है कि नियमित रूप से आप लोग जो है वीडियो को देखें, आपको जो पीडीएफ दी जा रही है उसको आपकी कॉपी में नोट करें और आपकी अटेंडेंस जो चूंकि ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है ये सब कुछ आपकी जो है क्लासेस जो है अभी क्लासरूम टीचिंग के रूप में प्रारंभ करना संभव नहीं होगा। तो जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी अटेंडेंस संभव नहीं हो पाएगी। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से जो है वीडियो को देखें, उसे लाइक करें, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि पता चले कि आप लोग उस वीडियो को देख भी रहे हैं नहीं, आप उसका लाभ उठा भी रहे हैं या नहीं, आपकी अटेंडेंस कैसे की जाए उसके आधार पर ही आपके अटेंडेंस का निर्धारण किया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है इन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद।